सिविल एविएशन अथॉरिटी ने मगरबी सम्त से आने वाली तमाम परवाजों की कड़ी निगरानी शुरू कर दी है। जराए CAA के मुताबिक पाकिस्तान एयर ट्रैफिक कंट्रोल को नई हिदायत जारी कर दी गई है। ईरान ने इराक से आने वाली तमाम कमर्शियल परवाजों के ऑपरेशन पर ताहुक्मे सानी पाबंदी लगा दी है। सवाल अमरीका ने ईरान के हमलों के बाद इसराइल की सिक्योरिटी का भरपूर दिफा का ऐलान करते हुए इसराइल को मुकम्मल हिमायत का यकीन दिलाया। साबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने इसराइल पर हमले मौजूदा अमरीकी हुकूमत की कमजोरी करार दिया। दोस्तों, इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट ये है कि पाकिस्तान ने एक स्टेटमेंट जारी की है। दिस कॉन्फ्लिक्ट जो कि मिडल ईस्ट में चल रहा है, पाकिस्तानी है। हमारा रद्द अमल ये है कि तमाम फरीक हौसला करें और जंग को बंद करें। नमस्कार दोस्तों, ईरान ने इसराइल पर हमला तो कर दिया, लेकिन अब इसराइल भी ईरान को जवाबी हमले देने की तैयारी में है, जिससे देख कर के पाकिस्तानियों का कहना है कि पाकिस्तान की तरफ से इसराइल और ईरान के जंग पर बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट स्टेटमेंट आई है। जिस तरह से अमेरिका भी खुल कर कह चुका है कि वो इसराइल को अकेला नहीं छोड़ेगा, वो इसराइल के पूरी तरीके से समर्थन में है। साथ ही अमेरिका ने साफ कर दिया है कि ईरान को इसके नतीजे भुगतने होंगे, क्योंकि जिस तरह से ईरान ने बड़ी तादाद में इजराइल पर हमले किए उसके बाद अमेरिका काफ़ी ज़्यादा गुस्से में और लगातार ईरान को धमकी दे रहा है और हमले भी कर सकता है। ईरान के इजराइल पर जवाबी हमले के बाद बड़ी जंग के बादल मंडला रहे हैं, क्या ये तीसरी आलमी जंग का पेश खैमा हो सकता है? पहली बात तो है कि आपको मैं ईरान को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि ये पहला मुस्लिम हुकूमत है और रियासत है जिसने जुरत की, हिम्मत की और जिसमें सलाहियत है कि इसराइल की जारियत का एक मुंह तोड़ जवाब दिया है। 350 ड्रोन और मिजाइल इसराइल की सरजमीन पर, इसराइल के अड्डों पर, इसराइल की फौजी तनसीबात पर फायर किए हैं, जिसका कोई उम्मीद नहीं थी, जिसका किसी का कोई सोच भी नहीं सकता था। ये बड़ी, इससे बड़ी खुशी की लहर फैल गई है मशरकी वस्ता में, मुस्लिम उम्मा में, कि कोई तो खड़ा हुआ है ना इसराइल के खिलाफ। और ये 50 साल के बाद पहली दफा हुआ है कि किसी मुसलमान मुल्क ने ये काम किया है। आपको याद होगा, जब पढ़ा होगा तारीख में, 1973 की अरब इजरायली जंग में मिस्र और शाम ने भी हमले का, इजरायली हमले को जवाब दिया था और उन्होंने अपनी जो सरजमीन को आज़ाद करने के लिए जंग की थी, और उसमें पाकिस्तान ने, जुल्फिकार अली भुट्टो साहब वजीर आजम थे, पूरा साथ दिया था। हमने पायलट्स भेजे जो सीरियन एयरफोर्स के साथ लड़े ईरान इसराइल के खिलाफ, और दो जहाज भी गिराए। तो ये अच्छी एक बात है। बाकी आपका जो खदशा है कि आलमी जंग का, उसका कोई इम्कान नहीं है। देखिए जी, इसराइल एक बुली है, अमेरिका भी खौफ ज़दा है, उनका ख्याल नहीं था ये होगा। और अभी मैं देख रहा था कि 25 मिनट की जो गुफ्तगू हुई है सदर बाइडन की नेतन्याहू के साथ, उसने साफ एक किस्म का अल्टीमेटम दे दिया है नेतन्याहू को, क्योंकि इसराइल अमेरिका की प्रॉक्सी है मशरकी वस्ता में, कि जनाब अगर आपने जंग शुरू करने की कोशिश की ईरान के खिलाफ तो हम आपका साथ नहीं देंगे। तो पहली मर्तबा अमेरिका ने एक ऐसा अल्टीमेटम दिया इसराइल को कि जनाब ईरान के जंग न लड़े, क्योंकि इस जंग भड़क गई तो फिर ये रुकेगी नहीं, क्योंकि इराक है, सीरिया है, फलस्तीन तो वैसे जंग हो रही है, नस्ल कुशी हो रही है, यमन है, लबनान है। तो अमेरिका नहीं चाहता कि ये जंग बढ़े, और ईरान ने अभी वार्निंग भी दे दी है अमेरिका को, अमेरिका ने साथ दिया इसराइल का तो वो अमेरिकी जो अड्डे हैं मशरकी वस्ता में उस पर हमला करेंगे। तो मेरे ख्याल में मामला जरा रुक जाएगा, और अमेरिका की भी ये कोशिश है, अमेरिका जंग चाहता। इंडिया ने भी एक स्टेटमेंट जो है इस हवाले से जारी की है, लेकिन इंडियन जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स है उन्होंने बहुत पहले ये स्टेटमेंट जारी कर दी थी, बड़ी अर्ली उनको शायद इसकी क्लैरिटी थी कि, लेकिन पाकिस्तान को इतनी क्लैरिटी नहीं थी। इंडिया कहता है कि इसको डीएस्केलेट करें, रिस्ट्रेंट शो करें, स्टेप बैक करें फ्रॉम वायलेंस, डिप्लोमेसी की तरफ जाएं, इस तरह की बहुत सारी बातें जो हैं। लेकिन जो पाकिस्तान ने स्टेटमेंट जारी की है उसके ऊपर बड़ा क्रिटिसिज्म हो रहा है कि इतनी सॉफ्ट स्टेटमेंट जो है वो क्यों जो जारी की गई है। पहले आपको बताता चलूं कि इंडिया ईरान ने बेसिकली इसराइल के ऊपर जो कहा जा रहा है कि एक बड़ी तादाद में 300 से ज़्यादा शायद हमले किए, जिसमें बैलिस्टिक मिसाइल्स भी थे और सारा कुछ था और ड्रोन्स भी थे। इसका जो कोड नेम था वो ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस था, क्योंकि ईरान ये कहता है कि ये ईरान की रिटेलिएटरी स्ट्राइक्स हैं,
ठीक है जी। और इस पे आप ये समझ लें कि ये रिटेलिएटरी स्ट्राइक्स अंडर आर्टिकल 51 ऑफ द यूएन चार्टर ईरान ने की है। सो इट मींस दिस इज समथिंग वेरी वेरी बिग। ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। आपको पता है कि ये फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री, ईरान की हिस्ट्री में और इसराइल की हिस्ट्री में पहली दफ़ा ऐसे हुआ है कि इस तरह की चीज़ें जो हुई जो है वो हुई हैं कि ईरान ने डायरेक्ट अटैक किया है। और इसमें कहा जा रहा है कि जॉर्डन जो है, जॉर्डन ने भी रोल प्ले किया है। जॉर्डन, इसराइल, अमेरिका एंड यूनाइटेड किंगडम, इन्होंने मिल के इन ड्रोन स्ट्राइक्स को और मिसाइल्स को रोका है। इसलिए सुनने में ये भी आ रहा है कि ईरान ने जॉर्डन को भी जो है वो कोई धमकियाँ शमकियाँ लगाई हैं। जो इजरायली हैं वो एक प्रोपेगेंडा कैंपेन भी चला रहे हैं और कह रहे हैं कि सऊदी अरब जो है वो भी इस अलायंस का हिस्सा था, लेकिन मेरा नहीं ख्याल इसमें सऊदीज दे विल बी प्लेइंग। और इसमें कुछ इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हैं जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ, इसका एनालिसिस करते हैं कि पाकिस्तान इंडिया की क्या पोजीशन है, इसका इम्पैक्ट क्या हो सकता है। मैं देख रहा था कि जो ईरान के जो मेजर जनरल बघीरी हैं, उन्होंने कहा है जी कि हमने इस ऑपरेशन को कंप्लीट कर ली है, और ये ऑपरेशन इसलिए ज़रूरी था कि इसराइल ने हमारी रेड लाइन जो है वो क्रॉस की, और ये जो ऑपरेशन है इसकी बात हमारी कोई इंटेंशन नहीं है, हम कुछ कंटिन्यू नहीं करना चाहते, लेकिन अगर इसराइल ने रिस्पॉन्ड किया तो हमारा अगला रिस्पॉन्स इससे बड़ा होगा। और सुनने में ये आ रहा है कि ईरान ने जो स्विट्ज़रलैंड की एम्बेसी है तेहरान के अंदर, उसके ज़रिए एक पैगाम भेजा है कि अगर अमेरिका ने कुछ हमला करने की कोशिश की या साथ दिया तो याद रखिएगा हम अमेरिका की जो मिलिट्री बेसिस है खित्ते में या एयरक्राफ्ट कैरियर हैं उन पे हमले करेंगे। ईरान की एक आयत है, मैं वो पढ़ के आपको सुनाना चाहता हूं, उसके बाद फिर हम आगे चलते हैं। और वो कुरान की आयत है, सूरह निसा की आयत है, जिसका तर्जमा है, और तुम्हें क्या हो गया कि तुम अल्लाह की राह में उन बेबस मर्दों, औरतों और बच्चों के लिए जंग नहीं करते जो दुआ कर रहे हैं, ऐ हमारे परवरदिगार हमें इस जालिम बाशिंदों की बस्ती से निकाल और हमारे लिए अपने पास से हमदर्द पैदा कर और हमारे लिए अपने पास से मददगार खड़े कर। तो कोई कहता है ईरान है इसराइल के साथ है, वो अंदर अंदर से मिक्स गेम करते हैं, बहुत सारी बातें हुई सोशल मीडिया पे, देखा गया कि दोनों साइड के लोग कोई चैलेंज कर रहे हैं हमला होगा, कोई कह रहा है नहीं होगा, कोई कह रहा है जी जब हुआ मुझे बता देना, बड़ी बड़ी बातें हुई। बिलाखिर एक हमला हुआ, जब हमला हो गया तो फिर अचानक हमने देखा कि एक बहस नहीं शुरू हो गई कि जी ड्रोन भेजे थे बड़े स्लो थे, उन्होंने जो हमला किया था बड़ा स्लो था, इसराइल तो कुछ पहुंचा ही नहीं, ये तो सिर्फ दिखावे के लिए था, ये अपनी ऑडियंस के लिए था, ये पब्लिक कंजम्पशन के लिए था। तो मैं आपके सामने कुछ हकायक लेकर आया हूं। नाज़रीन, सूरत हाल ये है कि ये एक कम्प्लेक्स अटैक था जो इसराइल पर किया गया है। आपने ये मद्देनजर रखना है कि ईरान जब इसराइल पर हमला करेगा तो जाहिर है कि उसे किसी और मुल्क के ऊपर से गुजर के ही हमला करना है, उसकी जहाज, उसके ड्रोन या उसके मिसाइल किसी और मुल्क की सरहद के ऊपर से गुजर कर ही जाएंगे। पांच ममालिक इसराइल का दिफा कर रहे थे जो इसराइल से बाहरी कर रहे थे, जिसमें मुसलमान ममालिक में उर्दन भी शामिल था, फ्रांस, बरतानिया, अमरीका, ये सारे ममालिक जो हैं ये इसराइल का दिफा कर रहे थे, यानी इनके जहाज ईरानी ड्रोन्स को गिरा रहे थे। अब ड्रोन जहाज से मुकाबला नहीं कर सकता, ड्रोन एक सरप्राइज अटैक जरूर है और आप ज्यादा भेजें तो काफी वो डैमेज कर सकते हैं, लेकिन जब जहाज आ जाए उनके मुकाबले में और फिफ्थ जनरेशन फाइटर आ जाए उनके मुकाबले में तो ड्रोन उनका फिलहाल मुकाबला नहीं कर सकते। तो ये मल्टीपल सुपर पावर्स के जो ड्रोन के मुकाबले में फाइटर जेट्स एरियल थे, वो क्रूज मिसाइल्स को भी मार के गिरा सकते थे, वो ड्रोन को भी मार रहे थे। और ये वजह है कि लोग कहते हैं जी कि ड्रोन भेजे तो हमला नाकाम हुआ, तो ये बातें हैं, लेकिन ये समझें कि इतने ज़्यादा ममालिक की मदद हासिल थी, यहाँ तक कि एंटी मिसाइल जो भी सिस्टम है वो भी अमेरिका का इस्तेमाल हुआ है बहुत सारे मिसाइल गिराने में और ड्रोन गिराने में। लेकिन एक चीज़ सामने आई है इस सारे अटैक में, क्योंकि ये कम्प्लेक्स अटैक था, इसमें ड्रोन थे, इसमें क्रूज मिसाइल थे, इसमें तो दोस्तों पाकिस्तानियों का कहना है कि जिस तरह से पाकिस्तान की फ़ौज ने इजराइल और ईरान की जंग पर सॉफ्ट स्टेटमेंट दिया, उससे साफ पता चलता है कि पाकिस्तान अमेरिका के आगे किस तरह से बेबस है, क्योंकि अमेरिका के बिना इजाज़त के पाकिस्तान कोई
गलत स्टेटमेंट भी नहीं दे सकता, पाकिस्तान खुल करके ईरान का साथ भी नहीं दे सकता, क्योंकि पाकिस्तान की तो अब बल्ले बल्ले होने वाली है। जिस तरह से अमेरिका ईरान के खिलाफ पाकिस्तान के एयर स्पेस इस्तेमाल करेगा, उसमें पाकिस्तान को भर भर करके डॉलर मिलेंगे। पाकिस्तान हमेशा से यही करता हुआ आ जाए, यही कारण है कि जिस तरह से अमेरिका पर अमेरिका लगातार ईरान को धमकी दे रहा, उससे पाकिस्तानी काफ़ी ज़्यादा खुश हैं। पाकिस्तानियों का मानना है कि इजराइल और ईरान की जंग आगे बढ़ सकती है, लेकिन जिस तरह से इजराइल पर ईरान ने बम दागे हों, उसके बाद इजराइल काफ़ी ज़्यादा गुस्से में, और वो ईरान पर तगड़ा हमला कर सकता है, जिससे पाकिस्तान भी काफ़ी ज़्यादा परेशान है। आपकी क्या राय कमेंट में ज़रूर शेयर करें। यदि आप चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करो और शेयर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।